फास्ट मनी जनार्दन गोल के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं डिंपिकाल रहा। तो आज आप नए फ्लेवर नए क्लेवर में फास्ट मनी को देख रहे हैं और न केवल ड्रेस बदली है बल्कि ये पूरा सेट ही आपको बदलता दिख रहा है। लेकिन एक चीज जो बिल्कुल नहीं बदली वो है हमारी मेहनत, वो है आपका विश्वास। और हम करते हैं कि ये और थोड़ी बढ़ेगी ताकि एक चीज बिल्कुल हमारे हक में रहे जो कभी नहीं छूटे, वो है मुनाफा। और ये चीज अगर बनी रहती है तो आपका और हमारा बिल्कुल साथ आगे बेहतर और चलता हुआ दिखेगा। इसलिए हमारी कोशिश है कि अपनी मेहनत करके अपने रिसर्च करके हम बेहतर से बेहतर चीज आपके सामने रखें। और उम्मीद करते हैं कि आपका भरोसा आपका विश्वास जो लगातार हमारे साथ बना हुआ है बढ़ रहा है वो आगे भी बढ़ेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका साथ और हमारी रिसर्च अगर साथ हो जाए तो फिर इस मुनाफे की तेजी से हम बहुत अच्छा एक रिटर्न। कल का मैच देखा था आपने? कल का मैंने मैच तो नहीं देखा। रूस और सऊदी अरब के बीच में था, 5 गोल दाग दिए रूस ने। सबसे अंडरडॉग्स माने जा रहे हैं, मेजबान का देश है, वहां सपोर्ट था पब्लिक का, तो पब्लिक का पूरा सपोर्ट। 5 गोल, इनफैक्ट ब्रेक से पहले सिर्फ 2 थे, उसके बाद 3 दाग दिए। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन था कल का। और आज तो खैर पुर्तगाल और स्पेन का मैच है। खैर कल एक ही मैच था शायद मेजबान की तरफ से, कल वो रशिया का ही मैच था जो सऊदी अरब के साथ था। लेकिन आज तो अब 3-3 मैचों की कड़ी शुरू हो जाएगी, तो पूरा का पूरा एक्शन आपको फीफा का ज़ी बिज़नेस की स्क्रीन पर भी शेयरों के साथ जुड़ता हुआ दिखेगा। और इससे आप एक तो इस खेल की स्पिरिट के साथ, जिसमें एक फ्रेंडली स्पिरिट होती है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, और दूसरा इस मुनाफे की कड़ी के साथ आप जरूर बने रह सकते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि आपके सामने कुछ बेहतर शेयर रखें। और फटाफट से आज का पहले एक बार आउटलुक देख लेते हैं, यानी कि समीकरण इस समय एसजेक्स निफ्टी कैसे चल रहा है, ग्लोबल मार्केट कैसे चल रहा है, फिर आज के शेयर आपके सामने जल्दी जल्दी बताना शुरू करेंगे। इस समय की सिचुएशन अगर देखें मार्केट की, तो आपको ये दिख रहा होगा साफ कि एसजेक्स निफ्टी में 21 अंकों की गिरावट है। कल हमने 800 के ऊपर आके क्लोजिंग दी थी, भले 820 नहीं किया, 820 के ऊपर 800 के ऊपर क्लोजिंग आके दी। आज हम अगर 21 पॉइंट जोड़ भी दें गिरावट के एसजेक्स निफ्टी में, ये भी 800 के आसपास है। 800 इंपॉर्टेंट लेवल है, हो सकता है शुक्रवार के दिन ये मेक ब्रेक लेवल आपको कुछ मेक या फिर ब्रेक करते हुए दिखे, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बन सकती है। इसलिए आप इस 10,800 का लेवल को मान के चलें कि इससे बहुत ज्यादा दूर शायद नहीं जाएंगे, और बहुत ज्यादा प्लस आने के लिए एक बार 820 और 850 के ऊपर हमको आना होगा। इस 50 से 60 पॉइंट की रेंज के अंदर आज शायद बाजार चल जाए। ये एसजेक्स निफ्टी का पहला शुरुआत भी दे रहा है, तो आपको बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं दे रहा। अब देखते हैं जरा एशियन मार्केट, क्या वहां से कुछ सपोर्ट मिल सकता है, अभी की सिचुएशन क्या है। निकाई जैपनीज मार्केट ये करीब 0.5% ऊपर है, हांगकांग बाजार ऑलमोस्ट फ्लैट है, अगर ये थोड़ा ऊपर आया तो कवरिंग हो सकती है। यूएस मार्केट्स के अंदर कल बिल्कुल सपाट काम काज रहा, किसी तरह के कोई खास बड़े उछाल को नहीं देखने को मिली, ना ही नैसडेक के अंदर ना ही डॉ फ्यूचर्स के अंदर, तो वो भी शांत बाजार दिखे। आज एशियन मार्केट्स ठीक ठाक है। एसजेक्स निफ्टी 21 अंकों गिरावट, हमको रोज मिलती है गिरावट, लेकिन रोज के रोज हम इस गिरावट को कहीं ना कहीं कमी करने की पूरी करते हैं। कल भी मार्केट की जो कोशिश थी फेड वाले इंपैक्ट को झेलने की, प्रॉफिट बुकिंग के इंपैक्ट को झेलने की, वो सारा का सारा 100 पॉइंट में ही पूरा हुआ है। अगर यूएस मार्केट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रजत आपको बता रहे हैं, और उसके बाद फिर शेयर के सिलसिले को भी शुरू करें। रजत कुछ इंपॉर्टेंट है यूएस मार्केट्स में? ईसीबी की बैठक थी यूएस मार्केट्स में, तो इंपैक्ट ख्याल 1/4% के आसपास का ही पड़ा, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स पे 1.5% की तेजी बनी थी। बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम इस साल के अंत तक बंद हो जाएगा, ये स्टेटमेंट थी, तो बहुत बेहतर एक ट्रिगर था, यूरोपियन मार्केट्स को एकदम से ऊपर ले गया। और ऊपर से जो यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर का संकट है वो गहरा गया, कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पे अब फिर से यूएस ने बोल दिया कि वो ड्यूटी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो कि यूएस बाजार से आए हैं। एशियन मार्केट्स अपने अपनी स्क्रीन पे देख लिए हैं, और रजत अब आपको जल्दी जल्दी शेयर्स आज के बता रहे हैं ताकि आप नोट करें और जाने आज का मुनाफा कहां से मिलने वाला। रजत आपका पहला शेयर पीवीआर। एक तो वर्ल्ड कप का बुखार है वो तो है ही, पीवीआर के रेवेन्यूज में ट्रेमेंडस जंप इस बार तो होने वाला है, क्योंकि अपनी स्क्रीन पे दिखाएंगे, इनफैक्ट वर्ल्ड कप का करेंगे इस बार टेलीकास्ट। दूसरा, रेस 3 रिलीज हो रही है, सलमान खान की मूवी है, जब भी होता है तो मल्टीप्लेक्स से ईद ऊपर से एकदम, मौका ही तो देखिए आप तो। इनफैक्ट जो भी जो क्राउड है वो तो इस बार बॉक्स ऑफिस पे हिट होने ही वाली है, तो लगभग तय ही है, तो उसका असर ऑब्वियसली यहाँ पर पीवीआर जैसे स्टॉक्स पे देखेगा, आईनॉक्स जैसे स्टॉक्स पे भी आप नजर रखें। लेकिन ये स्टॉक वायदा बाजार में बड़ी जबरदस्त पोजीशन बनी है रेस 3 के रिलीज होने से पहले, अप्रैल जून में। अब इंपॉर्टेंट ये है कि नतीजे जो आएंगे उसमें क्लियर कट रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि वीरे दी वेडिंग, परमाणु, संजू, सुपर एवेंजर्स, ये कुछ ऐसी मूवीज थी क्वार्टर में जो जबरदस्त प्रदर्शन करके गई हैं, तो मल्टीप्लेक्स शेयर्स को तो भूल ही नहीं सकते अगर आप रिजल्ट सीजन की बात कर रहे हैं। तो पीवीआर आज के लिए खरीदना है तो 1465 से 1475 तक के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करें, और 1410 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस स्टॉक पे लगाएं। आज बाजार कमजोर भी खुलता है तब भी नीचे खरीदने का मौका होगा इस स्टॉक में। दूसरा, ACC, ये बिकवाली का सौदा होगा, सीमेंट पैक, मॉनसून का सीजन है ऑब्वियसली, यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो इसके चलते भी बनी है, लेकिन सीमेंट कंपनियों पर नितिन गडकरी का बड़ा आरोप ये है, उनकी स्टेटमेंट भी है कि सीमेंट कंपनियां कार्टलाइजेशन में शामिल हैं।
उसके कारण ही यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर दबाव है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे। आज भी हो सकता है कि फिसल जाए, 1270 से 280 तक के लक्ष्य के लिए आप दिखवाली करके चलें, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, 1320 का एक स्टॉप लॉस आप ACC पे लगा लीजिए। ठीक है, दो शेयर रजत के हुए, हमारे दो शेयर में एक शेयर नितिन गडकरी से ही जुड़ा हुआ है। कल उन्होंने सिर्फ कार्टलाइजेशन भी नहीं बात रखी बल्कि दो और अहम बातें रखी थी, उसमें से भी मैं एक शेयर आपके सामने रखूंगा। HOCL मेरी तरफ से आज पहला फिर से एक सरकारी कंपनी है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड के नाम से कंपनी है, 660 करोड़ रुपए की लैंड है इनके पास, ये बेचना चाहते हैं BPCL को। एक सरकारी कंपनी से दूसरी सरकारी कंपनी में सिर्फ लैंड का ट्रांसफर होना है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 66 करोड़ रुपए का है, लैंड की वैल्यू इससे 10 गुना 660 करोड़ रुपए की है, और इसके लिए बोर्ड से ऑलरेडी इनके पास अप्रूवल आया हुआ है, बस ये डील होना बाकी है। और HOCL के अंदर आप देखेंगे इसका एक जोरदार मूव मिलेगा, क्योंकि सरकार ने खुद से बोला है कि या तो कंपनीज अपनी लैंड का इस्तेमाल करें या तो उसको स्टेक सेल करके अपना विनिवेश वाले टारगेट को भी पूरा करेंगे, और दूसरा उस लैंड का सही तरीके से इस्तेमाल भी हो पाएगा। खैर, BPCL को लैंड की जरूरत है, इसलिए वन कंपनी टू अनदर, यानी कि वन PSU टू अनदर PSU जा रही है, तो इसलिए सरकार का ऑब्लिगेशन रेगुलेशन में भी कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। 2700 रुपए का आज टारगेट रखें, ये शेयर करीब करीब आपको 2300 रुपए के आसपास बंद हुआ शेयर है, 22.50 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड के नाम से एक सरकारी कंपनी HOCL इसको कहा जाता है, ये मेरी तरफ से पहला शेयर होगा। दूसरा शेयर है जो हमने कहा नितिन गडकरी ने जो बात रखी, ना केवल उन्होंने कल कार्टलाइजेशन पे बात रखी बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत दिसंबर तक वो 50% ऑर्डर्स का आवंटन कर देंगे, यानी कि ऑर्डर्स को दे दिया जाएगा। काम पूरा भले चरणबद्ध तरीके से होगा 2-5 साल में, लेकिन ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिसंबर तक हो जाएगा। नितिन गडकरी वो मिनिस्टर्स हैं जो बात रखते हैं वो काफी हद तक उनकी पूरी भी होती है, और ये आज इस बार के स्टेटमेंट में देखने को मिल सकती है। NCC पिछले दो दिन से शेयर वापस टूट भी रहा है, एक बेस तो इसने बना लिया, अभी शायद 104 103 के नीचे नहीं जाएगा, आप एक बार इसका बेस ही मान के चलें कि 106 आज अगर शुरुआती टिक में 1.5 रुपए टूट जाए तो टूट जाए, नहीं तो इसके अंदर एक पुल बैक का सौदा आपको बनता दिख सकता है। इस पुल बैक को 110 तक ही ट्रेड करें, उसके बाद सिचुएशन देखेंगे कि इसके अंदर क्या फ्रेश बाइंग हो रही है या अभी पुल बैक ही दिखाएगा। इसलिए नितिन गडकरी का यह बयान कि दिसंबर तक भारतमाला प्रोजेक्ट के 50% ऑर्डर्स का आवंटन कर दिया जाएगा, इस शेयर के टूट के बाद पुल बैक का तैयारी हो जाना, ये सब कुछ NCC के लिए फेवरेबल है, ये मेरी तरफ से आज का दूसरा शेयर है। मेरी तरफ से शेयर रहेगा सन फार्मा। देखिए, सेंसेक्स में बदलाव होने जा रहे हैं 18 जून से, और बड़ी खबर ये कि डॉक्टर रेड्डीज अब सेंसेक्स का हिस्सा नहीं रहेगा, वो सेंसेक्स से बाहर होएगा, तो यानी कि अब फार्मा में कुल मिलाकर एक फार्मा सेक्टर का शेयर रह जाएगा, वो रहेगा सन फार्मा सेंसेक्स में। सन फार्मा यहाँ पर हलोल प्लांट की खबर भी जुड़ी है जो इस हफ्ते स्टॉक को काफी बेहतर बना चुकी है, लेकिन आज के लिए भी खरीदारी की जा सकती है, वीकली क्लोजिंग है तो कहीं ना कहीं वीकली हाई पे बंद होने के चांसेस ज्यादा हैं। 575 से 580 का टारगेट रखें और 555 ये कल की क्लोजिंग के हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगाएं, तेजी 560 के ऊपर रिकमेंडेड होगी स्टॉक पे। दूसरा, सेंसेक्स में ही बदलाव का ट्रिगर है 18 जून से जो इंप्लीमेंट होने वाले हैं, वेदांता सेंसेक्स का हिस्सा बनने जा रहा है, तो मेटल पैक में अब ये वेदांता पे आज नजर रहेगी, वेदांता लेगा डॉक्टर रेड्डीज की जगह। इस स्टॉक पर आज खरीदारी की सलाह रहेगी 247 के लक्ष्य के लिए और स्टॉप लॉस 238 वेदांता पे फॉलो करके चलना होगा। एक और शेयर जो हमारी आज सूची में शामिल हुआ है SKM एग। असल में कल जब इन्फ्लेशन के आंकड़े आ रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा कि मछली, अंडा और मांस, इन तीनों के जो इन्फ्लेशन है, यानी कि इसकी जो महंगाई है, महंगाई सिर्फ दाम से बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ी है, वो -2 थी पहले, जो बढ़कर प्लस में आ गई है, 0.5% हुई है। इसका मतलब यह है कि मांग से प्राइजेस बढ़ रहे हैं, अगर मांग नहीं भी है तो कम से कम शॉर्टेज से प्राइजेस बढ़ रहे हैं, और ये कंपनी दोनों का बेनिफिशियरी है। मॉनसून का प्ले भी इंडिकेट करता है कि इन तीनों प्रोडक्ट, अंडा, मछली और मांस, इन तीनों का कंजम्पशन एकाएक थोड़ा बढ़ता भी है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। एक और ट्रिगर भी था, हालांकि रमजान पूरी तरह से खत्म हो रहा, अब ईद है, ईद उल फितर है, अब एकदम से कंजम्पशन फिर से आपको बढ़ती हुई दिखेगी, तो SKM एग पे एक बार ध्यान रखें, 92 रुपीज का आज का टारगेट, 85 का एक्स्ट्रा प्लस। कल भी वॉल्यूम के साथ ठीक ठाक क्लोजिंग मिली, ज्यादा अच्छी नहीं, ज्यादा निराश करने वाली नहीं, 1% ऊपर, ये शेयर का नेचर नहीं है, लेकिन फिर भी आज आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव मिल सकता है, 92 का टारगेट रखें। एक और शेयर है हमारी तरफ से, हुआ है फिर से एक सरकारी कंपनी RCF, इसको हमने मॉनसून से, फर्टिलाइजर से कोई कनेक्ट नहीं किया, इसको हमने इसके लैंड बैंक से कनेक्ट किया है, जो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और उसको लेकर बहुत तेजी से काम हो रहा है। कल MMTC STC आपके सामने ही था। RCF में खबर यह है कि इसका जो चेंबूर वाली लैंड है उसकी कुल मिला के जो 800 एकड़ की लैंड है उसकी कीमत बनती है 24,000 करोड़ रुपए,
30 करोड़ रुपए पर एकड़ की लैंड है चेंबूर में, जिस जगह पर इनकी जमीन है वहां का अगर ये 50% भी बेच दें तो करीब 12,000 करोड़ रुपए इनको मिल जाएगा और कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 4,000 करोड़ है, यानी कि जितने की कंपनी है उतने का 3 गुना, तो इसकी सिर्फ आधी जमीन बेच के इसको मिल जाएगा, कम से कम आधी जमीन ये कंपनी बेच सकती है, पहले भी प्रपोजल हुआ है। इनके एक और लैंड भी है रायगढ़ में, वो 1,000 करोड़ रुपए की बनती है, मैंने तो उसको ऐड ही नहीं किया, उसको मिलाकर तो ये करीब 36,000 करोड़ रुपए का मामला बन जाएगा, जिसकी मार्केट कैप से करीब करीब 10 गुना के बनेगा। आरसीएफ पे पर ध्यान रखिएगा, इसको लेकर सुगुआट थोड़ी तेज होगी और जब तेज होगी ये शेयर इससे ज्यादा चलेगा बजाय अपने फर्टिलाइजर की थीम से या किसी और थीम से। 78 का टारगेट, 17 का स्टॉप लॉस। चलिए, लेकिन दो ऐसे शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई करा सकते हैं, आज के ईपीएस शेयर देखिए। तो आज फास्ट मनी जनाधन के अंदर जो पहला ईपीएस है वो रजत की तरफ से है, क्योंकि आपने आज पीवीआर देख के मेरे को लगता है थोड़ा लीड ली है। नहीं, अदानी ग्रुप पे अब नजर रही है। अच्छा। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स निचले स्तर से खरीदारी आ रही है, उसमें अदानी इंटरप्राइजेस शामिल है। आज तो खबर भी जुड़ गई कि सरकार ने रिफाइंड खाद्य तेल और बाकी की जो खाद्य तेल है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, एक बड़ा ट्रिगर है जो आज ये जो तेल से जुड़ी खाद्य तेल से जुड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे वो अदानी इंटरप्राइजेस हो, विमल ऑयल हो, इन स्टॉक्स को कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज एक फिलिप प्रोवाइड कर दे, तेजी बने इन स्टॉक्स पे। और ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी का हाइक है, जो अब कैटेगरी है वो 35% से 45% इम्पोर्ट ड्यूटी हो गई है खाद्य तेल पे, तो इनफैक्ट फॉर्चून के नाम से कंपनी का खाद्य तेल आता है, तो कहीं ना कहीं आज इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक पे। कल के सत्र में वायदा बाजार में तगड़ी पोजीशंस क्रिएट हुई थी, 138 का टारगेट रखे आज अदानी इंटरप्राइजेस पे और 133 आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना। ये जो खाद्य तेल है पाम है या फिर कोई भी खाद्य तेल? नहीं, अलग अलग कैटेगरीज है, सनफ्लावर ऑयल है, जो बाकी के जो खाद्य तेल है सभी खाद्य तेलों पे इंपोर्ट ड्यूटी हाइक की गई है, लेकिन जो अब ब्रैकेट है वो 35% से 45% आ गया, पहले 30% तक के ब्रैकेट में थी इंपोर्ट। ठीक है, एक और अच्छी चीज अदानी इंटरप्राइज के साथ ये है कि इसका जो फॉर्चून ब्रांड आप बता रहे हैं पहले सिर्फ सोयाबीन का ऑयल एक्सट्रैक्ट करके लेके आते थे, अब इनके ग्राउंड नट भी है, इनके सनफ्लावर भी है, अब ये सरसों के अंदर भी है। फॉर्चून का सरसों कच्ची घानी काफी बड़ा प्रोडक्ट है, जो कि बाबा रामदेव के पतंजलि जो प्रोडक्ट है उसको काफी बड़ा कॉम्पीट करता है। खैर, इस पर जरूर ध्यान रखें, लेकिन मेरी तरफ से आज का जो ईपीएस है, खैर एक अदानी का शेयर मैं भी दूंगा आपको, लेकिन सुपर एट के कैटेगरी में है। आज का जो ईपीएस है वह अक्ष ऑप्टिक फाइबर, आप इस पर ध्यान रखें, वो इसलिए वैसे क्योंकि सरकार जुलाई में एक नई टेलीकॉम पॉलिसी लेके आ सकती है। इस पॉलिसी के तहत जो ऑप्टिकल फाइबर वाला है, देखिए सरकार ने दो तीन चीज का बिल्कुल फिक्स करनी है। पहला काम ये करना है कि जब इस बार चुनाव के अंदर जाना है तो उसके अंदर कम से कम कुछ ऐसे बड़े पॉइंट होने चाहिए जो सरकार ने पहले कहा था उसको पूरा कर दिया, उसमें ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाना था। आप प्रधानमंत्री को कभी भी देखेंगे ग्रामीण भारत में बोलते हुए, वो एक बात जरूर बोलते हैं कि हमने ऑप्टिकल फाइबर की तारें बिछाई हैं, अब नेट कनेक्टिविटी ये सब चीजें आज तक काफी सुलभ हो गई हैं। अभी टारगेट सरकार का पूरा नहीं हुआ, पूरा करना है चुनाव से ठीक पहले, उसको लेकर पॉलिसी भी आ रही है 4G 5G के विस्तार के लिए, बिना ऑप्टिकल फाइबर के ये काम पूरा नहीं होगा। रिलायंस HFCL के अंदर भी तेजी आना, ये अक्ष ऑप्टिक फाइबर को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्ले देता है। इसका जो मुनाफा इस बार आया था 4 गुना था और आने वाला मुनाफा करीब 10 गुना कैलकुलेट किया जा रहा है, जिस बार की ग्रोथ दिखी है। तो एक बार अक्ष ऑप्टिक फाइबर ध्यान रखिए, 3100 रुपए की कंपनी है, यहां से अपने वापस उसी रेंज के अंदर अपर रेंज में आ जाएगी, 30 से 35 की ब्रैकेट है फिलहाल जहां पे काम काज कर रहा है, अपर एंड का ब्रैकेट का टारगेट रखे 3500 रुपए का, 30 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आज अक्ष ऑप्टिक फाइबर की तरफ से पांचवा यानी कि ईपीएस शेयर है। जल्दी से पहले 5 शेयर का रिकैप कर लेते हैं, रजत आपको बता रहे हैं। चलिए, पीवीआर के साथ शुरुआत की है, आज से Race 3 रिलीज हो रही है। देखिए Race 1 Race 2 पे तो 100 से 150 करोड़ का है आसानी से, कंपनी ने इनफैक्ट मूवी ने टच कर ली थी, लेकिन अब उम्मीद है कि 500 करोड़ के पार Race 3 का कलेक्शन हो सकता है। तो पीवीआर और मल्टीप्लेक्स शेयर्स आज के सत्र में एक्शन में रहेंगे, इनको अपने रडार पर रखें। और वैसे भी ये जो मौजूदा तिमाही है इसके रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है मल्टीप्लेक्स शेयर्स की। पीवीआर खरीदारी की सलाह, ACC और बाकी का सीमेंट पैक हो सकता है फिसल जाए, इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी 1270 के लक्ष्य के लिए। सन फार्मा ये एकमात्र शेयर रह जाएगा फार्मा सेक्टर का सेंसेक्स में, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज 18 जून से सेंसेक्स से बाहर हो रहा है, आज सन फार्मा पे बैठ लगती हुई नजर आएगी ऐसी उम्मीद है। और वेदांता अब ये सेंसेक्स का हिस्सा बनने जा रही है कंपनी 18 जून से। आज 247 का टारगेट, 238 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और अदानी एंटरप्राइज इसलिए खरीदें क्योंकि सरकार ने खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है, 138 का टारगेट, 133 का स्टॉप लॉस। हमारे तरफ से पहले 5 शेयर है, उसमें HOCL पहला शेयर होगा, 660 करोड़ रुपए की लैंड ये जल्द ही बेच सकते हैं, आधा हिस्सा बेचेंगे तो मार्केट कैप का कम से कम 5 गुना ये जमीन हो जाएगी और HOCL के अंदर ये जल्द हो सकता है। सरकार ने खुद बोला है कंपनी चाहती है, PSUs to PSUs ट्रांसफर हो रहा है BPCL को, तो इसका जल्दी कोई ना कोई काम हो जाएगा। NCC पे भी आप ध्यान रखें, आज पुल बैक का सौदा बन सकता है। भारत माला के 50% जो ऑर्डर्स हैं वो दिसंबर तक आवंटित कर दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे, NCC बड़ा कंटेंडर है, उसका बेनिफिट मिलेगा। SKMF के अंदर खबर यह है कि इन्फ्लेशन की जो माइनस में थी वो
पॉजिटिव में हुई है और दूसरा मॉनसून का इंपैक्ट इनके हक में आ सकता है। 92 का टारगेट। आरसीएफ के पास भी जमीन का ही मामला है। चैंबूर में इनकी जमीन है, 24,000 करोड़ रुपए की लैंड है जो कि मार्केट कैपिटल का करीब करीब 10 गुना से ज्यादा बन जाता है। तो आप इसमें देखें, इसके अंदर भी चैंबूर वाली लैंड का जल्द ही कोई ना कोई रेजोल्यूशन ये लेके आ रहे हैं। और 78 रुपए का टारगेट है। अक्षक्ति फाइबर मेरी तरफ से आज का ईपीएस शेयर है। सरकार की नई पॉलिसी जो कि जुलाई में आ सकती है, ठीक उससे पहले इन शेयर्स के अंदर कंसोलिडेशन के साथ तेजी होगी। नंबर बेहतर आए हैं, आगे भी आएंगे। 35 रुपए का टारगेट रखे, एक बार खरीदारी इसमें कर सकते हैं। इस बीच एक और शेयर जो हमारी लिस्ट में आज शामिल हुआ है वह एसआरएफ। हालांकि पहले एसआरएफ आपको मालूम ही है कि अब क्रेडिट पॉइंट्स के नाम से ज्यादा कंपनी जाने थी, कार्बन क्रेडिट्स इनको मिला करते थे। अब ये चलन थोड़ा कम हो गया, बाजार में से रिएक्शन भी नहीं आता। नहीं तो पहले जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी पॉल्यूशन की तो फटाफट सभी लोग इस कार्बन क्रेडिट वाली कंपनीज को ढूंढते थे और उनके अंदर एक मूव आने लगता था क्योंकि इनको पॉइंट्स मिलते थे, ये पॉल्यूशन नहीं फैलाती थी। लेकिन आजकल वो चलन खत्म हुआ है। अब इस इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई इसके अंदर, कल के डेरिवेटिव पोजीशंस के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ। कल इसके अंदर एक जोरदार शॉर्ट कवरिंग हमने आती हुई देखी है, 6% का ओपन इंटरेस्ट घटा। कल जब बाजार टूट रहा था बिल्कुल ठीक उसके उलट इस शेयर के अंदर हमको कहीं ना कहीं मूवमेंट आती हुई देखिए। ये टूट रहा कहने का मतलब कि कम से कम 10-15 पॉइंट जो लास्ट में शेड हुए मार्केट के, उसमें एसआरएफ ने उसी 15 पॉइंट के अंदर तेजी के साथ क्लोजिंग की थी। और दूसरा वॉल्यूम के साथ खरीदारी है, ये अपने उस पड़ाव पे आके रुक गया है जहां पे एक नए ब्रेकआउट के साथ ये आगे और बढ़ सकता है। 1880 कल की क्लोजिंग, आज 1900 का आंकड़ा पार होगा। 1910 पहला पार टारगेट पड़ाव के तौर पर रखें और 1868 का एक स्टॉप लॉस होगा। एक और शेयर है हेक्साबेयर। आईटी के अंदर बड़ा सिलेक्टेड होना होगा आपको। हालांकि आज टीसीएस की बोर्ड की बैठक है 15 जून को, लेकिन ठीक उससे पहले अगर आप आईटी के अंदर प्लेसमेंट देख रहे हैं तो थोड़ा सिलेक्टिव मिड कैप आईटी के अंदर आज रहिएगा। दिन के ऊपरी स्तरों पे तो बंद हुआ है, वॉल्यूम के साथ इसमें खरीदारी है। इसका बिल्डअप भी ठीक था डेरिवेटिव पोजीशंस के अंदर, जहां पे कल फ्रेश बाइंग हो रही थी उस सूची के अंदर 5वें-6वें नंबर का शेयर था। ओपन इंटरेस्ट भी करीब 4% बढ़ा जो कि कम नहीं होता इस तरह की मिड कैप आईटी कंपनीज के अंदर। तो आज एक अच्छा मूव वापस मिल सकता है। 444 का एक स्टॉप लॉस, 460 रुपए का टारगेट रख के आप एक बार इसमें भी वापस खरीदारी कर सकते हो। तो मेरी तरफ से दो डेरिवेटिव की हलचल वाले शेयर, एक एसआरएफ और दूसरा हेक्साबेयर, ये नोटिस कर लीजिए। चलिए अब कुछ ऐसी कंपनी जहां पर फीफा वर्ल्ड कप का सीधा बेनिफिट वो कंपनियां उठाएंगे, एक तो है जुबिलेंट फूडवर्क्स और दूसरा है टाटा ग्लोबल। देखिए टाटा ग्लोबल आज पोर्टफोलियो के शामिल किया गया क्योंकि जुबिलेंट फूडवर्क्स कल के सत्र में दौड़ लगा गया। टाटा ग्लोबल इसलिए क्योंकि स्टारबक्स के साथ जो करार है जिसमें ये कॉफी जो है कॉफी और चाय स्टारबक्स को जीवी के तहत सप्लाई करते हैं, उसका सीधा बेनिफिट होगा क्योंकि इस बार जो खपत है कॉफी की चाय की वो वर्ल्ड कप के दौरान सीधे तौर पे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो तगड़े रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा ग्लोबल और टाटा कॉफी दोनों ही शेयर्स पे। टाटा ग्लोबल खरीदते हैं, 286 का लक्ष्य रखें और 275 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और एक स्टॉक जहां पर पिछले सत्र में बिकवाली हुई, इनफैक्ट पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से तो मैं देख रहा हूं कि हायर लेवल पर टिक नहीं पा रहे हैं, वो है टायर स्टॉक्स। सीएट एक स्टॉक हो सकता है, कल के सत्र में वायदा बाजार पे एक्टिव था लेकिन पोजीशंस नेगेटिव क्रिएट हुई और अब तो उम्मीद ये है कि दक्षिण भारत में जो बारिश हुई है उससे उत्पादन में गिरावट आ जाए। ऐसा होता है तो रबड़ के प्राइसेस एकदम से स्पाइक अप यानी कि बढ़ते हुए नजर आएंगे, वो नेगेटिव होगा टायर कंपनियों के लिए। सीएट बेचकर चल सकते हैं 1300 से 1310 के लक्ष्य के लिए, लेकिन 1360 आज के दिन का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। ठीक है, मेरी तरफ से दो और शेयर हैं। पहला एक अदानी, हमने आपको हर रोज एक एफएमसीजी प्ले जरूर देते हैं इस तरह के मार्केट के अंदर जब आप 10,800 के आसपास ट्रेड कर रहे हो। आज मैरिको को ध्यान रखें, कल का बेस स्ट्रांग है इसके पास मैरिको का और शेयर के अंदर 5% की कैश डिलीवरी भी है, ओपन इंटरेस्ट के 3% के आसपास बढ़ा भी है, घटा भी है, इसके वजह से शॉर्ट कवरिंग आई है। तो आप इसके अंदर एक बार ध्यान रख सकते हैं, ये आज का एक एफएमसीजी का प्ले है मेरिको। आप जब सूची बना रहे हैं एक एफएमसीजी प्ले को जरूर रखें फिलहाल आज तक, और आपको ये निराश नहीं करेंगे, कम से कम टूटेंगे नहीं, तो आपको इसी से आप सिक्योर थोड़ा सा समझ सकते हैं। दूसरा एक और शेयर है वो है अदानी पावर, इस पर भी आप जरूर ध्यान रखें। अदानी ग्रुप का एक शेयर आपको अदानी एंटरप्राइज बताया रजत ने, मेरी तरफ से पावर इसलिए क्योंकि कोल लिंकेज पर उच्च स्तरीय एक बैठक होने वाली है जो कि 27 जून को होने वाली है और इसमें पावर सेक्टर को कोल लिंकेज देने पर पैनल वापस से विचार करेगा। अब कई ऐसी पावर कंपनीज जिनपे कोयले को लेकर अभी भी शटडाउन चल रहा है, उसमें एनटीपीसी नहीं खिलाया क्योंकि स्लो मूवर है। आप एक बार अदानी पावर को देख सकते हैं, स्ट्रांग मूव भी मिलता है इसके अंदर, 20 रुपए का एक टारगेट, 1870 का एक स्टॉप लॉस रखे। आप इस सौदे को भी देख सकते हैं, मैरिको और अदानी पावर होंगे दो शेयर। तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट होगा अगला सौदा, इनफैक्ट यहाँ पर एक्सपेंशन है, एक प्लांट यहाँ पर कंपनी बनाने जा रही है जिसको मंजूरी मिल गई है बोर्ड की ओर से और 2,550 करोड़ रुपए इस प्लांट पे
खर्च किए जाएंगे। तो तमिलनाडु इंड्यूसमेंट के लिए एक अच्छी खबर है, 290 तक जा सकता है आज के सत्र में, 280 ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको इस ट्रेड के लिए लगाना होगा। और अगर बिकवाली करनी है तो ये जो फाइनेंशियल कंपनी है जिसमें एमएनएम फाइनेंशियल, माना इस सीरीज में निश्चित से एक अच्छी खरीदारी आई थी लेकिन इस हफ्ते कंप्लीटली नेगेटिव है, ऊपरी स्तर पर बिकवाली देखने को मिल रही है और कल भी वायदा बाजार पर बहुत एक्टिव था, बिकवाली के सौदे ज्यादा देखने को मिले, फिसल सकता है, आज वीकली क्लोजिंग है, हो सकता है कि वीकली लो के आसपास ही बंद होता हुआ नजर आए, 477 के आसपास की क्लोजिंग है, 466 से 463 के टारगेट के लिए बेचें और 482 ये कल की क्लोजिंग के हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगाना। नौ नौ शेयर पूरे हुए, फटाफट से देख लेते हैं आज का सुपरहिट शेयर। तो आज का सुपरहिट शेयर जो है वो है अशोक लेलैंड। कल अशोक लेलैंड के फाइनेंस वाली कंपनी है, उसके आईपीओ के लिए अर्जी दी गई थी, उसके बाद से धीरे धीरे करके हमने देखा कि अशोक लेलैंड डे हाई पे जाके क्लोज भी करके गया है। ये मोमेंटम थोड़ा आज वापस से कंटिन्यू रह सकता है, कल 1.5% की तेजी इसी खबर के साथ ही आई थी, ये खबर 1 से 1.5% वाली नहीं है, कम से कम 10 रुपए वाली है, तो आप इसमें धीरे धीरे तेजी देखेंगे। हालांकि रेजिस्टेंस जोन को पार कर रहा है, इसलिए हमने टारगेट को बहुत बड़ा नहीं दिया, 150 के ऊपर का भी नहीं रखा, 148 रुपए का एक टारगेट रखे और 144 का एक स्टॉप लॉस रखे, आज एक बार अशोक लेलैंड पे रख सकते हैं। इसके कमर्शियल व्हीकल की सेल्स वो सब चीज आपको पहले से मालूम है, नंबर्स काफी शानदार हैं। ये जो फाइनेंस वाली खबर है इसके थोड़ा हक में आ सकती है, 148 का टारगेट होगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट होगा मेरी ओर से बतौर सुपर हिट शेयर पोर्टफोलियो में शामिल किया गया, प्रमोटर ने 32 लाख शेयर खरीदे हैं और इनफैक्ट यही मुद्दा है कि कुछ चुनिंदा कंपनियां ऐसी जहां पर निश्चित रूप से प्रमोटर खुद खरीद रहे हैं हिस्सा, तो वो तो कहीं ना कहीं रडार पर रहेगी। 172.63 रुपए ये भाव दिया गया जिस पर प्रमोटर ने हिस्सा खरीदा, 176 से 170 आज के दिन का टारगेट रहेगा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे और स्टॉप लॉस 170 का लगा करते हैं। जल्दी से 10 के 10 शेयर आपके सामने रख देते हैं। HOCL में तरफ से पहला शेयर होगा, 660 करोड़ रुपए की लैंड इनके पास है जो कि जल्दी BPCL को ट्रांसफर हो सकती है, 10 गुना है अपनी मार्केट कैपिटल से, कोई फैसला होता है तो हक में जाएगा, 27 रुपए का टारगेट। NCC पे खबर, भारतमाला के जो प्रोजेक्ट है 50% आवंटन हो जाएगा दिसंबर तक, NCC एक बड़ा बेनिफिशियरी है। SKM एक्ट पे ध्यान रखें, इन्फ्लेशन बढ़ी है अंडे की, ये माइनस से पॉजिटिव हुई है और मॉनसून का पॉजिटिव इफेक्ट इसके साथ जुड़ सकता है। RCF में भी लैंड की खबर है, चेंबूर वाली लैंड 24,000 करोड़ रुपए की है, जल्दी इस पे कंपनी कोई फैसला ले लेगी और 78 रुपए का टारगेट है। अक्ष ऑप्टिक फाइबर पे टेलीकॉम पॉलिसी का बस, 4G 5G को बढ़ावा देने के बाद पिछले नंबर्स बेहतर, इस बार नंबर अच्छे आएंगे, 35 रुपए का टारगेट होगा। SRF के अंदर शॉर्ट कवरिंग है, हेक्सावेयर के अंदर ताजा खरीदारी है, दोनों वायदा के शेयर है, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। पूरी सूची के अंदर एक FMCG का प्ले मैरिको, क्योंकि कल अच्छा बंद हुआ, शॉर्ट कवरिंग दिखा के गया, आज वापस एक अच्छा प्ले दिखा सकता है, 350 रुपए का टारगेट। अदानी पावर पे कोल लिंकेज को लेकर 27 जून को एक अहम बैठक होने वाली है, खबर मार्केट में आ चुकी है, पावर कंपनीज को कोयला पूरा दिया जाएगा और इसका 20 रुपए का टारगेट रखे आप खरीदारी करें। सुपर हिट शेयर अशोक लेलैंड है, कल फाइनेंस वाली कंपनी का IPO लेके आने की अर्जी आई हुई है और इसका बेनिफिट 148 रुपए के तौर पर आज आपको दिख जाएगा। रेस 3 रिलीज हो रही है आज और मल्टीप्लेक्स शेयर्स फोकस में रहेंगे, PVR पे बेट लगा सकते हैं 1465 के लक्ष्य के लिए। ACC ये कल के सत्र में भी कमजोर था, हो सकता है आज वीक की क्लोजिंग है तो कमजोर ही रहे, 1270 के लक्ष्य के लिए बेचा जा सकता है। सन फार्मा एकमात्र कंपनी रह जाएगी फार्मा सेक्टर की सेंसेक्स में 18 जून से, आज तेज हो सकता है ये स्टॉक, और वेदांता ये सेंसेक्स में शामिल होने जा रहा है 18 जून से, तो कहीं ना कहीं तेजी आज वेदांता में भी एक्सपेक्टेड है। और बतौर EPS शेयर अदानी एंटरप्राइजेस पे टारगेट है 138 और स्टॉप लॉस 133 का लगाना होगा। इसके अलावा टाटा ग्लोबल, कुछ ऐसी कंपनियां जो वर्ल्ड कप से सीधा बेनिफिट होगा, जिन्हें टाटा ग्लोबल और स्टारबक्स का जो टाइप है ही इसको तो बेनिफिट होगा ही। जुबिलेंट फूडवर्क्स एक और सौदा है जहां पर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है, CH बेचा जा सकता है, कल भी कमजोर था आज भी कमजोर रहने का अनुमान है। और तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट तेज हो सकता है, इसको अपने पोर्टफोलियो में डाले 290 के लक्ष्य के लिए, 280 का स्टॉप लॉस। M&M फाइनेंशियल, हालांकि ये इस हफ्ते कमजोर है स्टॉक, अब 463 466 के लक्ष्य के लिए बेचा जा सकता है, 482 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और बताओ सुपर हिट शेयर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जिसमें प्रमोटर की फिर से खरीदारी की खबर है, 176 से 177 का टारगेट है और 170 आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना। ये 20 शेयरों की सूची आपके सामने पूरी हुई, उम्मीद करते हैं आज फिर से आपको एक न केवल शो पसंद आएगा बल्कि इससे जुड़े हुए शेयर्स भी आपके हक में ही मुनाफा ही लेके आने वाले।